तो आज वेलकम टू हिमाचल इलेक्ट्रिशियन अड्डा। दोस्तों आज मैं आपको इलेक्ट्रिशियन का प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। ये इंडक्शन हीटर है जिसकी कॉइल शायद वर्न हो गई है, इसको पूरा ओपन करके दिखाऊंगा और सीरीज टेस्टिंग लैंप से हम इसको चेक करेंगे। ये रखा है आपका सीरीज टेस्टिंग लैंप। तो सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, तो इसके स्क्रू को निकालो सबसे पहले। उसके बाद कहाँ पे स्क्रू, यहाँ से इसको खुल गया। अब इसको उठाओ, इसको ऐसे करो, ऐसे कर लो आप भाई, ऐसे में तार को निकाल लेता हूँ यहाँ से, इसमें फंस गया। अब इसको निकालो, ये अब इंडक्शन तो यहाँ से निकालो। तो ये देखो सारा फंक्शन, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ये देखो आपका इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरे करंट को कंट्रोल करता है, इससे पूरा करंट कंट्रोल किया जाता है, इससे पूरा करंट कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो इसका कुछ काम नहीं है, तो इसको साइड में रख देते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और मेरे को इलेक्ट्रॉनिक का काम भी कुछ खास नहीं आता, इसको साइड में रखते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट देखते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट, इसमें देखते हैं क्या खराबी है। सबसे पहले कॉइल को, कॉइल में कोई वर्न देखो, काली हो गई है पूरी कॉइल। ये देखो पूरी कॉइल काली हो चुकी है, देखो दिख रही है सारी कॉइल में फंडा है। इसको ओपन करते हैं, ओपनिंग करने शायद पहले से खुल रहा है यार। इसको ओपन करते हैं, तो ओपन कहाँ से लगा हुआ है, कर लो पहले ठीक ढंग से। तार शॉर्ट करके डालिए ये देखो तार जली इसकी। इसको यहाँ से भी इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से डिस्कनेक्ट कर दो कॉइल को, यहाँ से भी हीट को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कंट्रोल करना पड़ती है पहले। तो इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दो, तो ये कर दी डिस्कनेक्ट हमने। अब देखो कॉइल को, ये है आपकी कॉइल, ये पूरी कॉइल जल गई है, पूरी कॉइल जल गई है। तो इसको आज टेस्ट करते हैं सीरीज टेस्टिंग लैंप से। इसको यहाँ पर रख दो, दिख रहा है बल्ब, बल्ब की तरफ कर दिए काम। ये देखो अब ऐसा करो, मैं बल्ब को ऑन कर लेता हूँ ऊपर से। इसके बाद दो तारें लो कॉइल को चेक करने के लिए। इसको इसमें डालो और इसको ऑन करो, देखो बल्ब जल रहा है। अगर बल्ब पूरा ब्लिंक कर रहा है तो आपका लैंप तो ठीक है। अब इसको एक पॉइंट को यहाँ पे रखो और दूसरे पॉइंट को यहाँ पे रखो। स्पार्किंग हो रही है, देखो इसमें स्पार्किंग हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको 2 मिनट। ये देखना यहाँ पे, देखना कॉइल में, देखना स्पार्किंग हो रही है, हो रही है स्पार्किंग, और बल्ब पूरा ब्लिंक कर रहा है। तो मतलब इसका मतलब है आपकी कॉइल खराब है, कॉइल इसलिए खराब है। अगर आपका सीरीज टेस्टिंग लैंप में बल्ब ज़्यादा ब्लिंक करे तो आपकी कॉइल कहीं से शॉर्ट है, अगर बल्ब कम ब्लिंक करे, कम जले, तो आपकी कॉइल बिल्कुल ठीक है। इसका कारण ये होता है क्योंकि आपने वो फार्मूला तो पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। देखो इसका एरिया कितना है, अगर ये ठीक होती तो
ये ज़्यादा ब्लिंक नहीं करता, ये कम ब्लिंक करता है। सबसे बड़ा मेथड है सील टेस्ट लैंप का, तो ये तो आपका खराब है सारे। ये देखो, ये आपका खराब है, तो इसको निकाल ही देते हैं यार। ये कॉइल आपकी बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है आपकी कॉइल, इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे करते हैं सीरीज टेस्ट लैंप से, सीरीज टेस्ट लैंप से चेक। अगर आपका बल्ब जलता है ज़्यादा तो आपकी कॉइल शॉर्ट शॉर्ट है कहीं से, और कम जलता है तो बिल्कुल ठीक है। ठीक इसलिए क्योंकि जैसे करंट पास होगा तो वो भी कुछ तो हीट होगा, हीट लॉसेस होंगे इसमें ड्यू टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कारण। तो ये आपका, ये आपकी क्वायर बिल्कुल खराब है, देख लो पूरी ब्लैक हो गई है, खुद देख लो आप, साइड साइड से काली हो गई है, पूरी काली हो गई है, ये ऊपर से ये देखो यहाँ से काली हो गई है पूरी। तो इसको अब तो ये फेंकनी पड़ेगी। और ये आपका क्या है, ये आपका हीट सिंक है, ये जैसे एक्स्ट्रा हीट को ये बाहर निकालता है, इसका काम होता है मतलब इसको ठंडा रखने के लिए। और ये भी, ये फैन लगा है, ये भी हीट को बाहर निकालता है, और ये हीट को मतलब ठंडा करता है, मतलब इसको ठंडा ठंडा करने के लिए हीट सिंक, हीट सिंक बोलते हैं इसको, हीट सिंक साइंटिफिक नाम इसका, हीट सिंक। और ये आपकी मोटर लगी है शायद से, डेड पोल मोटर होगी इसमें लगी हुई, हाँ से डेड पोल मोटर, ये एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकालता है। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इसमें ये देखो कैपेसिटर लगाया है, ये देखो करंट ट्रांसफार्मर लगाया है जो करंट को नापता है, छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे हैं, और ये पता नहीं क्या लगा है, ये भी आपका देखना पड़ेगा यार क्या है ये मेरे को नहीं पता यार क्या है ये भी। हाँ ये भी कैपेसिटर है 0.27 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर ये भी, और ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का काम है मतलब ये ज़्यादा वोल्टेज को कम करता है, कम वोल्टेज को ज़्यादा करता है मतलब। पर इस वक्त इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है क्योंकि पीछे से तो 220 वोल्ट आ रही है, और वो उसको कन्वर्ट कर रहा है स्टेप डाउन में, और फ्रिक्वेंसी सेम रहती है इसकी। AIC लगा है, और क्या क्या है, एक कंट्रोल यहाँ से कंट्रोल किया गया है इसको कि कितनी वोल्टेज देनी है इस मोटर को। तो आपको तो पता है ए सी डेड पोल मोटर है तो ज़्यादा ज़्यादा 5-6 वोल्ट पे चलेगी, अगर डायरेक्ट दे दें एसी तो सीधे जल जाएगी, और ये डीसी पे चलता है। एक बात याद रखना, आपका इंडक्शन हीटर डीसी पे काम करता है, लेता सप्लाई एसी है पर वर्क जो करता है वो डीसी पे करता है। और ये देखो फ्यूज़ है, एक अभी देखोगा आपने फ्यूज़ ग्लासेस वाला फ्यूज़, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ होते हैं फ्यूज़, ये फ्यूज़। और ये पोलर कैपेसिटर लगे हैं, ये रेजिस्टेंस लगे हैं छोटे छोटे, इतनी बड़ी सर्किट है। तो दोस्तों ये था, ये तो ख़राब है, इसको तो अब नई कॉइल लानी पड़ेगी तभी इसको ठीक कर सकते हैं, इसलिए इसको क्लोज करता हूँ। और दोस्तों आपसे आपसे क्या बोलूँ यार मैं, और कुछ नहीं है बोलने को मेरे पास है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर देना, और मैं इसको ठीक नहीं कर पाया क्योंकि ठीक ऐसे कर पाना था, एक कॉइल पूरी जल गई है, और इलेक्ट्रॉनिक के बारे में मेरे को इतना खास पता नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक को मैं देख लेता अगर मल्टीमीटर होता तो मल्टीमीटर नहीं मेरे पास, सिर्फ यही है सीरी टेस्ट लैंप, इससे मैं सब कुछ चेक करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक और सपोर्ट पकड़ कर देना, थैंक यू।